मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के खकनाल थाना क्षेत्र के ग्राम ढाबा में बीती रात अज्ञात बदमाश किसान के गोदाम में रखी सोयाबीन चुरा कर ले गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर किसान और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार ग्राम ढाबा के किसान ने बताया कि वह जब अपने गोदाम में कुछ काम से गया तो देखा कि सोयाबीन का ढेर पूरी तरह बिखरा हुआ था। करीब 50 क्विंटल से ज्यादा सोयाबीन गोदाम में रखा हुआ था। जब गोदाम से बाहर आया तो सोयाबीन गोदाम के पीछे गिरी हुई थी, वहीं कुछ बोरियां नदारद मिली। इसकी सूचना खकनार थाना क्षेत्र पुलिस को दी गई। किसान की शिकायत पर पुलिस ने निरीक्षण कर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं किसान ने यह भी बताया कि करीब 20 से 25 क्विंटल सोयाबीन चोरी हो गया है। इसकी बाजारी कीमत करीब 1.25 लाख रुपए थी। विदेशों में सोयाबीन के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर अब बहुत जल्द घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। व्यापारी और किसान इसलिए अब सोयाबीन को स्टॉक कर रहे हैं और इसी को देखते हुए चोरों की निगाहें सोयाबीन पर बनी हैं। इस घटना से पहले भी सोयाबीन कई राज्यों में चोरी हो चुकी है। व्यापारी और किसान अब सोयाबीन को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।